बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। बॉयफ्रेंड को किस करते हुए हिना खान ने शेयर की फोटो। हिना खान की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हालांकि हिना खान एक टीवी एक्ट्रेस है, हिना सोशल मीडिया पर अपनी मनपसंद फोटो बेझिझक शेयर करती है। कई बार इसके लिए उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता है, लेकिन हिना को इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बीच और एक बार हिना सुर्खियों में बनी हुई है। इस बार हिना खान ने सोशल मीडिया अकेले नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए फोटो शेयर की है। इन फोटो में दोनों एक दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं। फोटो में हिना और उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल एक दूसरे को किस करते हुए दिख रहे हैं। मलाइका के बाद अब अर्जुन कपूर ने तोड़ी शादी की बात पर चुप्पी। बताया उनकी जिंदगी में क्या मायने रखता है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान आजकल सुर्खियों में हैं। अपने अफेयर के बाद दोनों की शादी की खबरों ने खूब अटेंशन बटोरी है। खबर थी कि अप्रैल के इसी महीने में अर्जुन और मलाइका शादी कर लेंगे, मगर मलाइका ने इन सभी बातों पर अपना बयान दे दिया है। अब हाल ही में अर्जुन कपूर ने मलाइका को लेकर और उनके साथ होने वाली शादी को लेकर मीडिया में कोई बात रखी है। अर्जुन से जब उनकी शादी को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी वो सिर्फ 33 साल के हैं, अभी उन्हें शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। वहीं जब अर्जुन से मलाइका के बारे में पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, मलाइका उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खास जगह रखती है। हालांकि इससे पहले मलाइका अरोड़ा ने काफी वितकरण में इस बात को कबूला था कि अर्जुन उनकी जिंदगी में खास जगह रखते हैं। इस मुद्दे पर बात करने से बचती है अनन्या पांडे। क्या है वो बात? अनन्या पांडे जल्दी बड़े पर्दे पर एंट्री करने वाली है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से करण जौहर के प्रोडक्शन की इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया भी है। लेकिन अनन्या पांडे को नेपोटिज्म पर बात करना अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि वह इस पर बात नहीं करना चाहती है। वही करण जौहर को नेपोटिज्म का गॉडफादर कहा जाता है। कंगना रनौत इसको लेकर कई बार करण जौहर पर निशाना लगा चुकी है। यही कारण है कि अनन्या पांडे इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। आखिर वो भी तो नेपोटिज्म के कारण ही करण जौहर के बैनर से लॉन्च हो रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।